हेलो गाइस, मेरा नाम है विघ्नेश और स्वागत है आपका मेरे चैनल EXTC वर्ल्ड पे। तो ये मेरा मल्टीमीटर है, ये कुसुम एको ब्रांड का है, KM257। पर ये एक्चुअली है ब्राइमंड BM257, जो कुसुम एको अपना स्टिकर लगा के बेचता है तो उनका ब्रांड हो जाता है वो। तो ये इंटरनेशनल ब्रांड है। तो इसमें हाल ही प्रॉब्लम हो गया था कि ये जो डिस्प्ले के डिजिट्स है वो ठीक से डिस्प्ले नहीं हो रहे, फेंट हो गए थे। तो मैंने ये उनको सर्विसिंग को भेजा, ऑन नहीं हो रहा था। तो बाकी सब चल रहा था पर डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा था, और ऑन हो भी जाए फिर भी ऐसे कुछ डिजिट्स दिखाता है वो। तो उनको उनके पास मैंने सर्विसिंग को भेजा था, पर उन्होंने कहा कि ये जो इसका PCB है वो रस्ट हो गया है और ब्रेक भी हो गया, क्रैक आ गया। तो उन्होंने कुछ 7,000 का बिल बनाया था इनवॉइस। तो आज हम इसे रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि सच में इसका PCB क्रैक हुआ है, रस्टिंग हुआ है, या फिर सिर्फ वो पैसे निकालने के लिए कह रहे थे। तो ये मैंने स्टूडेंट डिस्काउंट पे लिया था 6,000 में। तो ये उसका कुछ सॉकेट है, तो ये स्क्रूज है, खोल लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट्स थे उस पर सिर्फ कार्बन आ गया था, तो उन्होंने ये जो डिस्प्ले के कॉन्टैक्ट्स है उस पर सोल्डर कर दिया, और सोल्डर करते ही ये जो कॉन्टैक्ट्स है वो ओवरहीट होके PCB से निकल गए। और उनका ये कहना है कि कॉन्टैक्ट्स रस्ट हो गए या PCB क्रैक है। तो ये जो इंजीनियर्स है कुसुम मैको के, पहली बात तो उन्हें अगर पता है कि ये रस्ट हो गए तो उन्हें छेड़छाड़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो उन्होंने इस पर सोल्डरिंग कर दिया और ट्रैक्स तोड़ दिए। आप देख सकते हैं कहीं पर भी क्रैक नहीं है PCB में, ओके है, पर डिस्प्ले के जो ट्रैक्स है वो तोड़ दिए। तो इससे पता चलता है कि उसमें मैको का जो सर्विस इंजीनियर्स है उन्हें सिर्फ बिना डिग्री देखे काम पे रखा हुआ है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं। और मुझे कहा गया कि आपका PCB क्रैक हुआ है और पूरा रस्ट हो गया है, तो आपको नया PCB डालना पड़ेगा। तो ये जो डिस्प्ले है इसके ऊपर वो रबर का फिल्म है, उसमें कॉन्टैक्ट्स हैं जो इसके ऊपर बैठते हैं, ये कॉन्टैक्ट्स के ऊपर कॉन्टैक्ट होता है। तो उन्होंने पूरा तोड़ दिया। तो अभी उनसे तो होप नहीं हो नहीं पाया, हम इसे रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम टेक्निक यूज़ करेंगे, हम ये जो फ्लेक्स रिबन होता है इसके जगह पे ये कट करके लगाएंगे, और जो जो ट्रैक्स टूटे हैं वो सोल्डर करेंगे वापस। चलो देखते हैं।
कंपनी वाले होते हैं वो बस पैसे कमाने के लिए बैठते हैं, उन्हें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक नॉलेज भी नहीं होता है, तो हम अपनी महंगी चीज़ उन्हें देते हैं तो ऐसे ख़राब करके देते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और मैं ये कुछ समय को से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को EXTC वर्ल्ड। थैंक यू।